नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करें तो पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश में आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट महाकुंभ का जो है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और बैठक में 2025 में होने वाले राज्य स्तरीय क्रिकेट महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के हमारे समिति के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं और लगभग 2 महीने पहले ही जो है इस आयोजन को लेकर के बैठक हुआ है। आइए हम बात करते हैं खेल समिति के अध्यक्ष भाई संजय श्रीवास्तव जी से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सर, क्या तैयारियां है 2025 को लेकर के महास आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट महाकुंभ के लिए? जी, इस साल जो है 19 जनवरी से प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा जो कि 15 दिन तक चलेगा और 2 फरवरी को प्रतियोगिता का भव्य समापन होना है। कहाँ कहाँ की टीमें इस पर भाग लेगी जो है इस साल? इस बार करीब प्रदेश के बाहर की करीब 4 या 5 टीमें रहेंगी और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की जितनी भी बड़ी टीमें हैं करीब 1 दर्जन टीमें रहेंगी। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधा आपके खेल समिति द्वारा दी जा रही है? देखिए, जो भी बाहर से टीमें आती हैं उनको रहने के लिए और खान पान की व्यवस्था सब समिति द्वारा किया जाता है और बाहर की जो टीमें हैं उनको एक तरफ का भाड़ा भी दिया जाता है। इस साल भी वही सब नियम लागू रहेगा और खिलाड़ियों को हर जो सुविधा यहाँ पे लगातार देती जा रही है वही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित है खेल समिति के सचिव जी भाई अमर सिंह जी, क्या कहेंगे? आज बैठक हुई है, क्या रणनीति तैयारियां की गई है? बैठक में तैयारी की गई है कि मैच को 19 जनवरी से खेला जाएगा और उद्घाटन होगा, उसके बाद 2 फरवरी को समापन होगा। टीमें से संपर्क किया गया है, अच्छी अच्छी टीमें आएंगी। आप जानते हैं कि पूर्वांचल की एक बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है लेदर की और पूर्वांचल से अच्छी से अच्छी टीमें जो है सभी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई वरिष्ठ कमेंटेटर बात करें तो पूरा सहयोग रहता है जेपी सिंह जी का, क्या कहेंगे सर 2025 की तैयारियां किस तरीके से हुई है? सबसे पहले दादा भाई तो हम लोग ये खुश हैं कि डेट फिक्स हो गया है आज यहाँ मीटिंग में 19 जनवरी से। लगभग पिछले बार थोड़ा 1-2 दिन पीछे गया था, इस वर्ष 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। 2 फरवरी को फाइनल मुकाबला होना है, तो हम लोग बहुत खुश हैं आज इस मीटिंग से और यहाँ तमाम तैयारियाँ की गई आज की मीटिंग में और जितने भी लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं तमाम विचार विमर्श के बाद यही डेट फिक्स करने में। दर्शकों को भी सब क्या कहेंगे, लगातार दर्शक बाहर से मुंबई से टिकट निकाल करके डेट जब फिक्स होता है तो लोग आते हैं, दर्शकों को भी सब क्या कहेंगे आप? दर्शक तो हमारे सबसे प्रिय हैं भाई दादा भाई, और हमारे दर्शक प्रत्येक वर्षों की बात, इस वर्ष भी अपार संख्या में आएंगे और प्रत्येक दिन आएंगे, पूरे 15 दिन या 16 दिन जो भी चलेगा टूर्नामेंट उस रोज आएंगे इतने दर्शक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेपी सिंह जी और आपको बात बता दे खेल समिति के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी और भाई सचिव अमर सिंह जी, कमेंटेटर भाई जेपी सिंह जी, तमाम हमारे खेल समिति के पदाधिकारी से बात हुई। हमारे बीच में हमारे भाई राजमणि पांडे जो कि मीडिया प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारियां हुई है? जी, प्रतिवर्ष बहुत बढ़िया से यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। पूर्वांचल की सभी नामी गिरामी टीमें हिस्सा लेती है और 4 टीमें प्रदेश के बाहर की भी आती है और इस बार भी हम लोग अगले साल से और बढ़िया व्यवस्था करेंगे ताकि कोई कमी टूर्नामेंट में ना रह जाए और अंपायरिंग की व्यवस्था भी उच्च स्तर की जाएगी। बाहर से अंपायर बुलाया जाएगा और पिच क्यूरेटर्स की मदद से पिच तैयार किया जाएगा। एक प्रकार से मान लीजिए कि एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजमणि पांडे जी जो कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, मीडिया प्रभारी है। अगर बात करें 2025 महाकुंभ, अगर बात करें महर्ष आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट महाकुंभ 2025 का बिगुल आज के दिन फूंक गया है और आपको बता दें कि 19 जनवरी को महाकुंभ का उद्घाटन होगा और 2 फरवरी को समापन होगा। ये जानकारी हमारे समिति के अध्यक्ष भाई संजय श्रीवास्तव जी ने दिया है। और बात करें हमारे इस महर्ष आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट महाकुंभ में जो कि अकेडमी भी चलती है, तमाम हमारे क्षेत्र के छोटे बड़े तमाम हमारे यहाँ खिलाड़ी ट्रेनिंग देते हैं और आने वाले देश के ये भविष्य है। तो मैं पुनः आपको अगली मीटिंग में जोड़ूंगा, आप कहीं भी रहिएगा लेकिन 19 जनवरी को
आजाद राज स्तरीय क्रिकेट महाकुंभ का बिगुल फूक गया है। 19 जनवरी को मेरी मैदान महास आजाद में जरूर आइएगा। भदोही से दादा यादव की रिपोर्ट।